एसपीएल आर्गो ब्लॉक में आइए, आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे बोकारो जिला में जो है आज रोजगार मेला लगा हुआ है, जो कि आइए आज आपको पूरा दिखाते हैं। तो देखिए ये है आपका और प्रादेशिक कैरियर सेंटर में दिया गया है बोकारो स्टील सिटी, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए रोजगार मेला लगा हुआ है। यहाँ पे अलग से फॉर्म ये किया जा रहा है क्या सर? ये क्या चीज़ का ले रहे हैं? स्किल इंडिया का। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया जो आईटीआई कोर्सेज जो किया गया है, देखिए भैया प्रोसेस बताइए। सब फ्री देगा तो अच्छा भैया, प्रोसेस इसका भैया झारखंड कौशल विकास मिशन भैया कुछ नहीं कागज हम सीसीटीवी वाला काम किया, मतलब क्या भैया जो इलेक्ट्रिक किया रोजगार सहायता बहुत ही सुंदर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा वॉशिंग मशीन वगैरह होता है फ्रिज हम लोग क्या करेंगे ऐसे? तो केंद्र सरकार है, पोर्टल में नहीं लेगा ना आपको, 31 साल हो जाएगा ना, 31.5 भी हो जाएगा। बोला कि घर घर जो बेरोजगार है उसको रोजगार देंगे, तो हम लोग बेरोजगार तो रोजगार क्यों नहीं दे रहा है बताइए? तो हम लोग यहाँ स्थानीय हो गया, ऐसा हो गया तो क्या कुछ नहीं इसका ज्यादा हो गया सर। ये जो रोजगार जो 3 महीना का है, 3 महीना का है ना ये, है ना, उसके बाद कहीं प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब कि जॉब वगैरह दिया जाएगा। इसके बाद प्लेसमेंट ट्रेनिंग, हाँ ये तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिला है सर। आप लोग बताइए यहाँ 6 बजे भला 11 बजे आने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे 11 बजे से खड़े हैं? हम लोग इलेक्ट्रिशियन करेंगे तो हम लोग के लिए कुछ नहीं बेनिफिट नहीं देगा, उम्र 34 साल नहीं होगा, 30 साल जनता है हेमंत सोरेन की, 18 से 40 साल तक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर में दोस्त होगा, आपको भाई होगा, बहन होगा, अगल बगल में दोस्त होगा। अपना आप लोग रिज्यूम दे दिए हैं? आप तो दे दिए ना जी, आप तो अपना रिज्यूम दे दिए ना वहाँ, दे दीजिए यहाँ 3 साल महीना अभी आपके पास, तो ये 3 साल स्किल इंडिया मैंने कोर्स कीजिएगा, तब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद जॉब आपको दिया जाएगा। क्या 3 महीना कष्ट करेंगे? हाँ, 7 साल भर कष्ट करता है लड़ा। हाँ हाँ हाँ, बात सही है। दिया कर चुके हैं। बताइए यहाँ आपको कैसा लग रहा है आज रोजगार मेला में आए हुए हैं बोकारो में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। 11 बजे सुबह जो सो 11 बजे आए हैं और अभी 3:30 बज गया लमसम। अच्छा, कुछ खाया नहीं रोजगार के चलते, क्या कीजिएगा जो सो बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है, भूखे भी रहना पड़ रहा है, उसके बाद सही बात भीड़ भाड़ इलाका है और रिज्यूम जमा कर दिया है। चलिए देखिए अगला प्रोसेस का इंतजार है आप लोग को, चलिए बेहतर है, ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग का प्रोसेस हो, बढ़िया हो और रोजगार मिले, तब ही आप लोग का काम हो गया अंदर वाला। पूछो बात करो। अच्छा बताइए, आप लोग यहां 11 बजे से आए हुए हैं, कैसा लग रहा है थोड़ा कुछ बताइए अपने बारे में? कैमरे में देख लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने विश्वास है कि अच्छा मैंने यहां जो मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा आपको। देखिए यहां तो इतने सारे बेरोजगार है, अगर कुछ आधा भी अगर रोजगार मिलेगा तो यहाँ बहुत ही, हाँ कुछ मतलब संभालने के लिए हम लोग को कुछ चांस मिलेगा। बेरोजगार से जो है सो पीड़ित व्यक्ति यहाँ पहुँचा हुआ था, तो आपको क्या लगता है मतलब यहाँ लमसम कितना 500,000 आदमी को रोजगार मिल सकेगा? मिल सकता है, इतना तो है, जितना सीट रहेगा उसके हिसाब से मिलेगा सर। जी जी, अब जितना सीट, आप अपना रिज्यूम जमा किए सर? जी सर, आपका जॉइनिंग है सर। मैं आपको क्या बताया, वो बताया कि आपका फिर से आना है। अच्छा, कॉल आएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद होगा, लेकिन कोई कंपनी बढ़िया जो है जॉब नहीं दे रही है। कुछ आपको ना पूछा अभी चल रही है? नहीं, एक लड़का बता रहा था। चलिए कोई बात नहीं, पूछा भगवान से यही प्रार्थना करेंगे सभी लोग को जॉब मिल जाए कुछ ना कुछ, अच्छा बात है। हाँ, रोजी रोटी मिलना चाहिए। देखिए सर लोग आ रहे हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही ब्लॉग दोस्तों, ठीक होगा, धन्यवाद। इधर आ जाओ सर, इसमें चलिए आज के लिए इतना ब्लॉग, इसमें 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 उम्र मांग रहा है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, उसमें एज खोजेगा, 35 साल हम सब एज खोजेगा, 30 साल बोल रहा है, 30 साल 35 साल।